नाज़रीन आप देख रहे हैं द मॉर्न और मैं हूँ शेख इमरान। चूँकि अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, आज हम जुड़े हैं आप लोगों के साथ कश्मीर घाट एग्जीबिशन, जो पूरे साल में केवल 15 दिनों के लिए होता है, नुमाइशी जिसको कहा जाता है। लेकिन असल में मकसद ये है हमारा यहाँ पे आने का कि इतने सारे लोग जमा हुए हैं, इतने सारे स्टॉल्स लगे हैं, म्यूजिक बैंड बाजा सब कुछ है, इस चीज़ को प्रमोट करने का मकसद क्या है, यहाँ पे ऐसा एग्जीबिशन चलाने का मकसद क्या है। अगर इसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं, किससे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे आके आपको कैसा लगता है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मसलन जी, कहाँ से आए आप? किश्तवाड़ से। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे ऐसा एग्जीबिशन चल रहा है? मुझे हर साल इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं हर साल आता हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ का म्यूज़िक, जो यहाँ का आर्ट है कश्मीरी आर्ट, मुझे बहुत मज़ा आता है सुनने में और मैं भी खुद गाता हूँ। आप किश्तवाड़ से आए, आपने भी कहा कि मुझे खुद इन्फॉर्मेशन मिलती है हर साल, तो आप किश्तवाड़ के लोगों के लिए इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस मैं कहना चाहूँगा यही कि वो भी गाए कश्मीरी सॉन्ग, बहुत अच्छा आर्ट है ये, म्यूजिक आर्ट बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए यहाँ पे कुछ और लोगों के साथ भी बात करते हैं और बखूबी इसका वाजे हम जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट असाद नकाश से भी बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल यहाँ पे जो बैंड वाले आए इनसे थोड़ा सा रूबरू करते हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। आपका नाम? शबीर। और आपके बैंड का नाम? वीपी इवेंट्स, वैली बॉयज। वीपी इवेंट्स, कब से आप यहाँ पे मतलब गा रहे हैं इवेंट्स? पिछले पाँच इससे पहले इस साल में आप मौका मिला था यहाँ पे आने का? पिछले साल भी था, मैं यहाँ पे लगभग 5 दिन था पिछले साल। तो जिस हिसाब से ये एग्जीबिशन देखने को मिलता था, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं से यहाँ पे वो लोगों की कमी महसूस होती है जैसा जो मतलब यहाँ पे लोग देखने को मिलते थे? मैं एक चीज़ बोलूँगा यहाँ पे, आपके जो चैनल में, आपकी चैनल की वसादत से बोलता हूँ कि आप लोगों को बोलो यहाँ पे आने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग यहाँ पे आएंगे, ये हमारे कश्मीर की शान है यहाँ पे कश्मीर हाट, और यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम शो नहीं चाहिए क्योंकि जो कश्मीर के यूथ हैं वो प्रमोट होते हैं यहाँ पे। ये तो बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा एक ये है क्या स्टेज। अब से ये भी जानना चाहेंगे कि साथ साथ में आप कहाँ से मतलब 2 सालों से आप यहाँ पे बजा रहे हैं, तो कितने दिनों के लिए आपको दिया जाता है कि आप ये जो कैरी ऑन करते हैं? जो लिमिट टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट 1 मंथ के लिए होता है, तो 1 मंथ के लिए जितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं, एग्जीबिशन है यहाँ, चिल्ड्रंस के लिए गेम्स है, म्यूज़िक है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है, जैसे कि ऊँट का कुआँ है, वहाँ पे भी लोग होंगे। आपकी चैनल की वसादत से अगर लोग यहाँ पे आएंगे तो वो हमारी निशान है और एक कश्मीर की निशान है। चलिए, बिल्कुल सही बखूबी उन्होंने कहा कि यहाँ पे वादी कश्मीर के लोगों को आने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि खाली डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लोगों के लिए एग्जीबिशन लगता है, पूरे वादी कश्मीर के जितने भी है, जितने भी स्पेशली अगर बात करें, यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स लगे हैं, कहीं ना कहीं से हमारे मेरे माइंड के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर इस एग्जीबिशन की बात करें, यहाँ पर बहुत सारा बिजनेस भी प्रमोट होता है और साथ साथ में लोग अपने अहल आयाल को लेकर यहाँ पर आते हैं। तो हमारी भी गुजारिश सारे उन लोगों को, वादी कश्मीर के लोगों से रहेगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लोगों से रहेगी कि यहाँ पर आए, विजिट करें, चूँकि 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है इसका, 1 मंथ के लिए यहाँ पे एग्जीबिशन लगता है। असल में इसका मकसद क्या है ऑलरेडी जानते हैं ये जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, उनसे भी बात करने के बाद। मोहन और मैं हूँ शेख इमरान। चूँकि आप बखूबी जानते हैं कि कश्मीर हाट की अगर बात करें एग्जीबिशन 15 दिनों का, जो ऑलरेडी 6 दिन पहले शुरू हो चुका है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तादाद में लोग यहाँ पे शिरकत करते थे, एंजॉय करते थे, वैसी भीड़, वैसा शोर
वैसा एंजॉयमेंट क्यों नहीं देखने को मिलता, इसलिए आज हमने दावत दी है ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स मिस्टर सजिद नकाश साहब को कि इसके बारे में थोड़ा सा इनसे जान ले। आइए इनसे बात करते हैं इसके बारे में और देखते हैं इनका क्या कहना है। सजाद साहब पहले तो खैर मकदम आपका दमोन में। थैंक यू सजाद साहब। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो 15 दिनों का एग्जीबिशन होता है इसका मेन मकसद क्या है? असल में जो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का जो मकसद है कि एग्जीबिशंस का होल्ड करना, इसमें मकसद ये होता है कि ये जो आर्टिज़न उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए जहाँ वो अपने आर्टिफैक्ट्स को एग्जिबिट कर सके और उनकी मार्केटेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, ताकि उनकी जो है लिविंग वो डिसेंट हो जाए और अर्निंग डिसेंट हो जाए, ये इसका मकसद होता है। अब जहाँ तक इस जगह का ताल्लुक है, ये जगह जो है इसमें अपनी एक शीन एंड ग्लोरी हुआ करती थी, ओवर द ईयर्स अभी नामुनासिब हालात की वजह से थोड़ा सा उसमें कमी हो गई है, मगर डिपार्टमेंट का एक एंडेवर हमेशा रहा है कि इसकी वो शीन और इसकी वो ग्लोरी वापस रिगेन करना चाहते हैं, और उस सिलसिले में हमने जितना भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें हम दे देते हैं इसमें कि कब कब कौन कौन सी एग्जीबिशंस होती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि यहाँ पे जो एग्जीबिशन हो रहा है वो उन्हीं के फ़ायदे के लिए हो रहा है, और गर्ज भी यही है कि लोगों को ये अंडरस्टैंड हो जाए कि अगर इंसान हैंडीक्राफ्ट्स को वाकई में अपनी इज्जत और बका बख्शना चाहता है, उसको ये ज़रूरी है कि उसको उस चीज़ को खुद पहले यूज़ करना है, और यूज़ करने के लिए उसको ज़रूरी वो ख़रीदना है। तो अगर वो चीज़ खरीदे जो यहाँ पे बनता है, तो इंशाल्लाह एक मार्केट जो बहुत बड़ा मार्केट है, इंटरनल मार्केट, वो इंटरनल मार्केट इसको, इस सनत को, इस हैंडीक्राफ्ट्स को फिर से रिवाइव करने के लिए ये ज़रूरी होगा। सच सा मुझे बताना चाहूँगा आपको कि ये जो कश्मीर हाट की अगर बात करें, 15 दिनों का एग्जीबिशन होता है, लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि कम से कम 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ के लिए ये सारी ऑलमोस्ट करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स की है ये पड़ी देखने को मिलती है, कि इस पे कोई भी ऐसा एसेट या कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो इसके लिए फर्दर प्लान्स क्या है डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट के? देखिए, जहाँ तक इस साल का प्रोग्राम है, पिछले वक्तों का जो उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक अब के बाद की ताल्लुक है, इस बात का ताल्लुक यह है कि हमने एक बाज़ाब्ता तौर एक कैलेंडर बनाया हुआ है जो मई से स्टार्ट हुआ। अगर आपको मालूम होगा कि यहाँ पे पहला जो एग्जीबिशन हुआ वो रमज़ान के महीने में हुआ और बहुत ही सक्सेसफुल रहा, लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से शिरकत भी की और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को हमने रिप्रेजेंटेशन दी हुई थी और यहाँ पे बड़े स्टॉल्स लगे थे, 2-4 तो हो चुके हैं, और हमने लगभग मंथ ऑफ मई से स्टार्ट करके लगभग नवम्बर तक ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और इसमें हमने थीमेटिक जो है ये एग्जीबिशंस का इनेकाद करने की हमने सोची हुई है। थीमेटिक मीन्स कि कभी हमने एक थीम ये है कि क्रॉकरी की थीम है उसको हमने इंट्रोड्यूस करना है, और बेकरी का थीम है उसको हमने इंट्रोड्यूस किया है, और इस थीम को इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ ये मकसद है कि जो फुटफॉल इस जगह का है वो इंक्रीज हो जाए और जो एग्जिबिट्स यहाँ पे आर्टिजन्स के होते हैं, मीनवाइल वो भी लोगों को पता चले कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ बनती हैं और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों का जो है यहाँ पे एग्जिबिट किया जा रहा है, ताकि उन लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो और ओवरऑल जो है इसका असर हमारे लोगों पर पड़े, कि उनको लगे कि ये जो है हैंडीक्राफ्ट्स के जो आइटम्स हैं वो कितने और किस मकदार में हमें यहाँ पे बनते हैं, उसका मकसद है। लोगों का कहना है कि पहले 4-5 साल की पहले अगर बात करें, जब भी एग्जीबिशन शुरू होता था 10 दिन पहले 12 दिन पहले 14 दिन पहले 1 मंथ पहले लोगों को पता होती थी कि एग्जीबिशन शुरू होने वाला है 15 दिनों के लिए 20 दिनों के लिए जितने टाइम के लिए एग्जीबिशन होने वाला, लेकिन एग्जीबिशन शुरू होने वाला है। लेकिन अब ये बार बार सवाल उठता है कि अब उस प्रकार की प्रमोशन ही देखने को मिलती है इस एग्जीबिशन के रिलेटेड। देखिए, मैंने आपको जैसे अभी भी मैंने बताया कि जितनी भी हमसे हो सकती है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम यूज़ करते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। अगर आप पिछली भी देखेंगे कितने ही हमने रेडियो जॉकीज में हमने लोगों को बताया, और उसी की ये वजह उसी की है कि उस प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से ही लोगों को पता चलता है
اور یہ ایسے پروگرام جو ہیں سکسیزفل ہوتے ہیں. اب جہاں تک اب کے بعد کی بھی بات آ رہی ہے تو جتنی بھی کوشش ہو سکے ہم دفتر ہمارے دفتر سے جتنی بھی کوشش ہو ہم پرنٹر اور الیکٹرانک میڈیا کو پھر سے زیادہ یوز کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کے فائدے کے لیے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہاں پہ ایگزیبیشنز ہو رہے ہیں اور پورے شد و مد سے ہو رہے ہیں. لگ بھگ نومبر کے مہینے تک اس کمپلیٹ سیزن میں یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایگزیبیشن ہوتا ہی رہے گا ان کے فائدے کے لیے. ساجد صاحب آپ کو نہیں لگتا چونکہ آج اگر پورے ورلڈ کی بات کریں ایک ایسا ہتھیار جو ہر ایک ناگرک ہر ایک شخص کے پاس رہتا ہے وہ سوشل میڈیا, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پروموٹ ہو جائے؟ جی کیوں نہیں, سوشل میڈیا پہ بھی اس کا یہ ہونا چاہیے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ اس کو سوشل میڈیا میں بھی اس کا یہ جو پبلسٹی کر لیں گے. سجید صاحب جو اس ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ جتنے جو بھی مطلب کام و کاج کر رہے ہیں اس چیز سے, مطلب جو بھی اس ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ لگے ہیں یا اس پروفیشن کے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جو بھی ہینڈی کرافٹس کے ریلیٹڈ کچھ بھی جانتے ہیں؟ دیکھیے میرا یہی ایک میسیج ہمیشہ کے لیے رہے گا کہ جو ہمارا ہینڈی کرافٹ ہے اس کو پبلسائز کرنے کے لیے ہمیں کوئی ابھی اتنی ورلڈ اور ہمیں یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ کشمیر ہینڈی کرافٹ کیا ہے. یہ ہر ایک انسان کو معلوم ہے کہ وٹ ہینڈی کرافٹ از, ایوری بڈی نوز اٹ. اب یہی ہے کہ ان کو یہ سمجھانا ہے کم سے کم اگر ہمیں اس صنعت کو بچانا ہے کم سے کم ایک انٹرنل مارکیٹ کی جو یہ ڈیمانڈ ہے اس انٹرنل مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو سمجھ لیں اور اس کو یوز کرنے کی کوشش کریں. گھروں میں, دفتروں میں, جس جگہ بینکس میں, جو بھی یہاں کارپوریشنز ہیں یا پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ نہیں ایک ہماری ایک صنعت ہے. جیسے ایران میں ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے وہاں کا قالین اس وجہ سے چل رہا ہے کیونکہ وہاں کی کھپت اس قالین کی خود کی اس کنٹری میں ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے اگر ہمارے دماغ میں یہ لگ جائے کہ نہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم مطلب ہماری صنعت ہماری جو ہسٹری جو ہے جڑی ہوئی ہے اس کو ہم یوز کریں اور واقعی میں اس یوز کے ذریعے سے ہی اس کو ہم عزت بخش سکتے ہیں. سجد صاحب لوگوں کا کہنا ہے چونکہ بار بار سوال آتا ہے کہ باقی ڈپارٹمنٹس کی اگر بات کریں جو بھی ہمارے کلچرر ہے بہت سارے پروگرامس دیکھنے کو ملتے ہیں گاؤں میں بیک ٹو ولیج یا باقی گاؤں میں یا شہروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں. ہینڈی کرافٹس کا کوئی ایسا پلان کہ پروگرامس کرائے گاؤں میں, پروگرامس کرائے گھر گھر, شہر شہر, ایسے پروگرامس کرائے تاکہ لوگ جو یہ پہچان کہیں نہ کہیں سے کھو چکے اس کو واپسی کرنے میں کوئی کوشش کرے؟ دیکھیے ڈپارٹمنٹ کا تو یہ ایک روٹین کام ہوتا ہے اور ہر ڈسٹرکٹ میں یہ ہوتا رہتا ہے, یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور اس کنٹینیوس پروسیس کو ہم آگے بھی چلائیں گے اور شد و مد سے چلائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں, یہ ہوتا رہتا ہے. سر میرا لاسٹ سوال آپ سے یہ رہے گا کہ ان لوگوں کے لیے کیا آپ میسج دینا چاہتے ہیں جو چار سال پہلے, پانچ سال پہلے اس نمائشی کشمیر ہاٹ میں آتے تھے, جب بھی ایگزیبیشن لگتا تھا وہ انجوائے کرتے تھے اپنے بچوں کو لے کے, اپنے پورے اہل عیال کو لے کے یہاں پہ آتے تھے, آج ویسی بھیڑ اس میں یہاں پہ نہیں دیکھنے کو ملتے, ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آ جائیں, اپنے بیوی بچوں کو لے کے آئیں, یہاں ایک ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ یہ جو دونوں طرف کی جو انٹرنس یہاں ہے اس میں جو یہ کبھی کبھار ایسا دیکھنے کو آیا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے وہ تار بندی کی ہوئی ہوتی ہے, ہم نے کوشش کی ہے کہ اس تار بندی کو بھی ہٹائیں تاکہ لوگوں کو ایک کمپلیٹ ایک کمفرٹ لیول یہ ہو جائے, کمفرٹ لیول میں آ جائیں اور لوگ آرام سے اس ایگزیبیشن میں آ جا سکتے ہیں. اس لیے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیے اور اس کشمیر ہاتھ کی زینت بخشیں.